मसीह में मेरे भाई और बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का हमारा जो वचन है वो है इफिशियों की पत्री उसका चौथा भाग 11 व 12 आयते। वो कुछ इस तरह से है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करते और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु के लोग प्रभु का देह है, उसकी मंडली है। और इफिशियों में यही बात थी जब पावल उनको ये बताता है, सबको एक साथ होके काम करना है, क्योंकि मसीह का देह जैसे शरीर में हर अंग अलग अलग होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सिर होता है, कान होते हैं, उंगलियां होती है, नाक होता है, सबका काम अलग अलग है। वैसे ही पौलुस ने सबको अलग अलग करके नियत किया है, क्योंकि प्रभु यीशु भी सबको एक जैसा काम नहीं देता, सबका काम अलग अलग देता है। पर हम जो सेवा उनकी करते हैं उनको साथ रहना है, क्योंकि प्रभु के देह में किस जगह किसकी आवश्यकता है वो प्रभु हमसे बेहतर जानता है। कहीं हम चाहे कि नहीं, हमें वक्ता ही बनना है या हमें चमत्कार करने हैं या हमें भविष्य कहना है या किसी को प्रेरित ही बनना हो, पर प्रभु के लिए सब अलग अलग, क्योंकि प्रभु हरेक को एक जैसी काम नहीं देता, सबको अलग अलग काम देता है। काम हमेशा अलग अलग होगा, तभी प्रभु के देह की सारी ज़रूरतें पूरी हो पाएगी। जैसे हाथ कभी खा नहीं सकता है, वैसे ही मुंह कभी पकड़ नहीं सकता, वैसे कान कभी देख नहीं सकते, ऐसी तरह से हर एक फंक्शन अलग अलग है और हर एक का इम्पोर्टेंस है। अगर किसी देह में हाथ नहीं हो तो वो देह अधूरा होता है, अगर किसी देह में नाक नहीं हो तो वो अधूरा होता है। उसी तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं वो मसीह के लिए करें, तो उस देह का हम पार्ट है। कहीं भी जाए तो ये ना समझे कि हमारी सेविकाई छोटी है या हम इसी तरह की सेविकाई करना चाहते हैं, क्योंकि मसीह में सभी को कुछ खास दिया गया है और उनको वही काम करना है। सबको सब कुछ नहीं दिया गया। जैसे हम तालंतों का एग्जांपल देते हैं तो हर एक को अलग अलग तालंत दिया है और उसका माप भी अलग अलग है, किसी को 10 दिया है, किसी को 50, किसी को 100, पर प्रभु हमें यूज करता है और प्रभु को हम वफादार रह के जब प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु के लिए हम महत्वपूर्ण हैं। एक एग्जांपल हम देखें तो उसमें एक बच्ची थी, क्रिश्चियन बच्ची थी, और उसके स्कूल में नॉन क्रिश्चियंस लोग थे, उसकी एक सहेली थी। उसको उसने एक दिन चर्च में आने के लिए उसको इनवाइट किया था। एक संडे वो और उसकी फैमिली चर्च आई, और एक संडे आई वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने उसको दूसरे संडे के लिए भी इन्वाइट किया, उनसे जान पहचान करी, उनसे अच्छे से बात करी, उनकी ज़रूरतों को समझा, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बातों को समझा, और वो दूसरे संडे भी आए फिर। और उनके जीवन में उस तरह का काम हुआ कि आज वो परिवार भी प्रभु में है, और मेरे भाई और बहन आज उसी चर्च में वो एक लीडर भी है। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु किसके ज़रिए काम करता है वो हमारी कल्पनाओं से परे है। प्रभु ने एक छोटी बच्ची का उपयोग करके उस पूरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि प्रभु का वचन जहाँ जाता है वहाँ बिना काम करे वापस नहीं आता है। हम अपनी किसी भी सेवा को जो प्रभु देता है उसको पूरी लगन से करें। हम साथ में होंगे तभी प्रभु का देह बन पाएंगे। ये एक वीडियो है जहाँ एक सेवक को क्रूस उठा के जा रहा है और वो सोचता है कि ये क्रूस मैं उठा के आगे बढ़ता रहूँगा। दूसरे सेवक भी उसको कहते हैं कि ये कठिन होगा और साथ में हो ले, पर वो सोचता है कि नहीं, मैं अपने आप सब कुछ कर पाता हूँ और मैं सब कुछ कर पाऊँगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और तेज़ हवा चलना चालू हो जाता है
वो एक जगह रुक जाता है और वो उसको पकड़े रहता है। हवा और तेज चलती है, उसको बड़ी मुश्किल होती है, उसका पकड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार हमारे लिए सेविकाई बड़ी कठिन हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है, मदद के लिए पुकार करता है, पर दूसरे लोग बहुत दूर होते हैं उससे। उसको लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं होता है। तभी एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जब वो देखता है उस हाथ को, तब उसको पता चलता है कि जो भी और सेवक थे उन्होंने उसको चेन बना के उसके तक पहुंचे है और उसको थाम लिया और उसको भी उनके साथ मिला लिया। जब हम साथ होते हैं तभी प्रभु की देह बन सकती है। हम अकेले कुछ नहीं, हम अकेले टिक भी नहीं पाएंगे, पर अगर हम प्रभु की देह के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा साथ होना जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। ए हमारे खुदा, हमको आपकी गहराई बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमको केवल आपकी सेवा के लिए प्रभु आपने चुना है, तो कहीं भी प्रभु हम अपनी सोच, अपने विचार और अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा ना करें, पर हमारे पिता हम आपकी देह में एक हो जाए और सदैव हम आपकी महिमा कर पाए प्रभु, ऐसा होने दें। जो आपने काम किया है उसको पूरी लगन से हम लोगों तक पहुंचा पाए, इसके लिए आपकी कृपा होने दो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।